हेलो गाइस, ये मारुति सुजुकी बलिनो जीटा वेरिएंट है। इसमें आपको इंटरनल क्रोम पे दिए गए हैं, देख रहे हैं आप। और इसमें आपको लेदर की फिनिश मिल जाती है। चार डोर पावर विंडो ऑटो के साथ, लॉक अनलॉक, शीशे को लॉक कर सकते हैं, साइड मिरर को फोल्ड भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल, बोतल रखने का स्पेस दिया गया है, स्पीकर मिलते हैं आपको यहाँ पर। आपको देखिए फ्यूल्डर खोलने का ऑप्शन और यहाँ पर हुड खोलने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन क्रोम फिनिश के साथ मिल जाएगा। राइट साइड में आपको हेडलाइट लेवलिंग के, ESP के और CNG के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। CNG और पेट्रोल दोनों पे आप इसमें ड्राइव कर सकते हैं। कुछ सेकंड प्रेस करेंगे तो ये CNG पे चली जाएगी। और राइट साइड में AC वेंट्स। बात करेंगे स्टेयरिंग व्हील की तो इसमें आपको देखिए ऑडियो कंट्रोल्स, फोनिंग कंट्रोल स्टेयरिंग व्हील पर ही दिए गए हैं। वॉइस कमांड भी आप दे पाएंगे। SRS एयरबैग, S का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है इसमें। राइट साइड में ऑटो हेड लैंप मिल जाता है, उसके कंट्रोल्स, लेफ्ट में वाइपर के कंट्रोल्स। और MID में आपको टेम्परेचर, क्लॉक, किलोमीटर बताएगा। कुछ वार्निंग लाइटें दी गई हैं इसमें। और इसमें यहाँ पे CNG शो करेगा, यहाँ पे CNG, यहाँ पे पेट्रोल शो करेगा। टेम्परेचर, क्लॉक, कुछ वार्निंग लाइटें दी गई हैं इसमें। इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, लो फ्यूल शो करता है ये। FM AM प्ले कर सकते हैं आप इसमें आसानी से। तो टच स्क्रीन है ये इंफोटेनमेंट सिस्टम। दो AC वेंट्स मिल जाएंगे, हजार्ड का स्विच मिल जाएगा, ऑटो AC दिया गया है इसमें। और यहाँ पे आपको USB ऑक्स के ऑप्शन दिए गए हैं, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, दो कप होल्डर रखने का स्पेस मिल जाता है कंसोल पे। की जो दी गई है आपको देखिए, लॉक अनलॉक कर सकते हैं, ब्लैक कलर की है। इसका मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। गियर लीवर 5-4-1 रिवर्स ब्लैक पियानो फिनिश के साथ दिया गया है। हैंड ब्रेक लीवर क्रोम फिनिश के साथ, आर्म रेस्ट दिया गया है कुछ स्पेस के साथ। तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर है। ये वाला डोर भी इंटरनल क्रोम पे, ब्लैक पियानो फिनिश मिल जाएगी और लेदर की आपको फिनिश मिल जाती है। बोतल रखने का स्पेस दिया गया है, स्पीकर मिलते हैं इसमें आपको। चार स्पीकर, दो टूटर मिलेंगे। ये आपका ग्लो बॉक्स, जो बहुत ही बढ़िया स्पेस ही है। एक SRS एयरबैग मिल जाएगा ड्राइवर साइड। और इसमें आपको फ्रंट में सनवाइजर दिया गया है, रीडिंग लैम्प मिल जाएगा आपको, देखिए डुअल पार्टीशन में दिया गया है। IRVM डे नाइट है, कूल ड्राइवर साइड सनवाइजर मॉनिटरी मिरर के साथ दिया गया है, ग्रिप असिस्टेंट। तो इसमें फ्रंट डोर का इंटीरियर आपने पूरा देख ही लिया। यहाँ पे ग्रिप असिस्टेंट भी मिल जाएगा, टोटल 3 ग्रिप असिस्टेंट मिलेंगे आपको इसमें। CNG का स्टिकर मिल जाएगा फ्रंट विंडशील्ड पे और रियर विंडशील्ड पे भी दिया गया है। चलिए रियर डोर का इंटीरियर देख लेते हैं। फ्रंट डोर का इंटीरियर तो आपने देख ही लिया। ये रियर डोर का इंटीरियर, चाइल्ड सेफ्टी लॉक दिया गया है इसमें। इनसाइड न्यू क्रोम पे दिए गए हैं, देखिए ब्लैक पियानो फिनिश, लेदर की फिनिश मिल जाएगी आपको इसमें। बोतल रखने का स्पेस दिया गया है, स्पीकर मिलते हैं। अपोस्ट्री आपने देख ली, ब्लैक ही दी गई है। हेडरेस्ट इनमें दिए गए हैं, देखिए तो हेडरेस्ट मिल जाएंगे आपको इसमें। ये वाला डोर भी इनसाइड न्यू क्रोम पे दिए गए हैं, ब्लैक पियानो फिनिश, लेदर की फिनिश मिल जाएगी। बोतल रखने का स्पेस दिया गया है, स्पीकर मिलते हैं। यहाँ पे भी आपको देखिए रियर पैसेंजर के लिए AC वेंट्स दिया गया है। और यहाँ पे आपको चार्जिंग स्लॉट मिल जाते हैं, दो दो चार्जिंग स्लॉट दिए गए हैं इसमें, देखिए। तो दो चार्जिंग स्लॉट मिल जाएंगे इसमें। लेगरूम के प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली आपको इस गाड़ी में, बहुत ही बढ़िया लेगरूम मिल जाता है। यहाँ पर आपको रीडिंग लैंप मिल जाएगा, यहाँ पे ग्रिप असिस्टेंट दिए गए हैं, सामान कैरी करने के लिए हुक मिल जाएगा। यहाँ पे भी ग्रिप असिस्टेंट मिल जाएगा। यहाँ पे स्पेस दिया गया है सीट के पीछे, पेपर वर्क वगैरह रख सकते हैं। ये को ड्राइवर सीट के पीछे दिया गया है। इसमें आपको फायर सिलेंडर जो मिलता है कंपनी के द्वारा, इसमें आप यहाँ लगा सकते हैं, फिट करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर देखिए सीट के नीचे, को ड्राइवर सीट के नीचे मिल जाता है ये फायर सिलेंडर है। और इसमें आपको ग्रिप असिस्टेंट मिल जाएंगे लेफ्ट राइट में। यहाँ पे सामान कैरी करने के लिए हुक भी दिया गया है। और जैसे कि मैं रियर पैसेंजर सीट पे बैठा हूँ तो मैं फ्रंट डैशबोर्ड की एक लुक दे देता हूँ, कैसा लगता है आपको फ्रंट डैशबोर्ड देखने में। तो ये फ्रंट डैशबोर्ड की लुक आप देख रहे हैं, बलिनो जीटा वेरियंट की। तो फ्रंट डैशबोर्ड की लुक भी आपने देख ली। यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीटें लगवा सकते हैं, उसका ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं टोटल, देखिए
तीन हेडरेस्ट मिल जाएंगे, आर्म रेस्ट इसमें नहीं मिलेगा, आर्म रेस्ट नहीं दिया गया इसमें। आपको रियर पल्सर ट्रे मिल जाएगी, सीएनजी का स्टिकर, डिफोगर रियर वाइपर भी दिया गया इसमें। तो इंटीरियर आपने देख ही लिया इसमें। चलिए बैक डोर खोल लेते हैं, बूट स्पेस भी देख लेते हैं कैसा बूट स्पेस मिलता है आपको इसमें। इसमें आपको सीएनजी का सिलेंडर लगा हुआ है, ये आपका स्पेयर व्हील है, ये आपको रियर पल्सर ट्रे मिल जाती है, ये स्पेयर व्हील है, इसे 80 की स्पीड से ज़्यादा ना भगाएं लिखा भी हुआ है। और इसमें 7 से 8 kg सीएनजी आती है, अगर आप इसे पूरा फिल करवाएंगे तो 7 से 8 kg सीएनजी आएगी सिलेंडर में। तो बूट स्पेस भी आपने देख ही लिया, बूट स्पेस उतना अच्छा खासा नहीं मिल पाता स्पेयर व्हील और सिलेंडर लगने के कारण। 4 पार्किंग सेंसर, 2 रिफ्लेक्टर दिए गए हैं रियर के बम्परों पर। इसमें आपको डिफोगर रियर वाइपर, बलेनो की बैजिंग मिल जाएगी, टेल लैम्प, यहाँ से आप फ्यूल और सीएनजी दोनों भरवा सकते हैं। यहाँ पे अलाई व्हील मिल जाएंगे जिनका साइज़ है 195/55 R16 inches के व्हील मिल जाएंगे आपको इसमें। डोर हैंडल क्रोम पे दिए गए हैं और डोर पे भी क्रोम मिल जाता है। तो साइड प्रोफाइल भी देख लिया आपने, फ्रंट प्रोफाइल देख लेते हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए, साथ में इंडिकेटर, फॉग लैम्प नहीं मिलते आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, इसके साथ दिया गया है। तो फ्रंट प्रोफाइल भी आपने देख ही ली। तो यही था इस वीडियो में, सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।